नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जिला परिषद पदभाग संख्या 14 के लिए विजय पांडे को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। अपने क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा कर वे जनसंपर्क में लगे हुए हैं। विजय पांडे के अनुसार जिस तरह से उन्हें क्षेत्र के लोगों का साथ मिल रहा है, वह भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। INN से बात करते हुए विजय पांडे ने कहा कि एक शिक्षित एवं ईमानदार प्रत्याशी के रूप में विजय पांडे दिख रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम सभी का पूर्ण समर्थन दिया जाएगा। विजय पांडे ने कहा कि वे अपने जिला परिषद क्षेत्र के सभी गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। विजय कुमार पांडे, किस पद पर आप हैं? जी, मैं अभी जो हूं वो पार्टी करता हूं और लगातार इस इलाके में 20 वर्षों से जो है जहां भी लोगों की ज़रूरत पड़ी मैं सड़क पर हूं और लगातार और कोई काम नहीं है, बस राजनीति मेरी पेशा है। और अगले बार ये एक संजोग था कि मैं जेल में जो है वीडियो के मामले के अंदर जो है सो मैं जेल में रहा था और मात्र कुछ वोटों के चलते द्वितीय स्थान पे रहा, और इस बार भी मैं 14 नंबर से जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस इलाके की जो समस्याएं हैं वो समस्या है सीबूडी आज करोड़ों के अस्पताल बन गए हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं हैं। हिरोडी में विद्यालय हैं बच्चियों के लिए हाई स्कूल, लेकिन 10+2 की व्यवस्था नहीं है। और खरियोडी में भी उच्च विद्यालय है लेकिन 10+2 की व्यवस्था नहीं है। इन सवालों को लेकर के लगातार आज धुरेता में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इन सवालों को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इसके चलते जो है वो 6 नंबर क्रमांक संख्या है और बिस्कुट छाप है। मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि इस बार जो है आप संघर्ष करने वाली ताकतों को मजबूत करें। मैं सभी धर्म के लोगों का, सभी जाति के लोगों का सम्मान और प्रतिष्ठा का जो है वो ख्याल रखूंगा, और आने वाले इस दिनों में, आने वाले दिनों में चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली के जो है बिल माफ का मामला हो, या पेंशन का मामला हो, या लंबित आवास का मामला हो, ये जो है इस इलाके से मुखर रूप से मैं जिला में जो है बुलंद आवाज़ करूंगा, इसीलिए मैं जिला परिषद के रूप में। जनता ने मतदान दिया तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरा जो है वो सीबूडी में जो है डॉक्टर, सीबूडी अस्पताल में डॉक्टर की उपलब्धता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुरेता में जो डॉक्टर की उपलब्धता, और निश्चित तौर पर जो हाई स्कूल है उसमें 10+2 के पढ़ाई, चाहे वो हिरोडी हो या खरियोडी हो। महिलाओं के उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह का सरकार ने जो गठन किया है, और आने वाली जो प्राथमिकता है जो भी सरकार के द्वारा जो है मिलेगी प्राथमिकता, निश्चित तौर पर मैं धरातल पर उसे लागू कर करके और महिला पक्षधर में मैं काम करूंगा। और आने वाले, चाहे पहले भी मेरा कर्तव्य रहा है कि महिलाओं को डाइन प्रताड़ना या दहेज के लिए प्रताड़ित जब भी किया गया, इनकी जहाँ भी हत्या हुई, बलात्कार हुआ, मैं सीना तान करके बलात्कारियों के खिलाफ में, महिला के पक्ष में मैं काम करता रहा हूँ। जनता आज आप देख रहे हैं पूरे 2-2 बार लोगों ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान किया है, लेकिन पंचायत सचिवालय को अगर गौर किया जाए तो आज वहाँ ना कर्मचारी है, ना पंचायत सेवक है, ना रोजगार सेवक है, ना जन सेवक है, और सब लोग गायब रहते हैं। और मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि जिला परिषद सदस्य लोगों ने चुना तो निश्चित तौर पर पंचायत सचिवालय में जो है ये लोग पंचायत स्तरीय कर्मचारी जो है उपलब्ध रहेंगे, और नहीं तो तीखा आंदोलन विजय पांडे करेगा।